क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक सिपाही युद्ध के मैदान में होता है तो उसका जीवन सिर्फ एक जैकेट पर टिका होता है? हाँ, एक बुलेट प्रूफ जैकेट पर। लेकिन क्या ये जैकेट उसे सुरक्षित रख पाएगी? चलिए देखते हैं कि ये जैकेट आखिर काम कैसे करती है। जब इस सिपाही पर गोली चलाई जाएगी तो फायरिंग करते ही 260 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये गोली हवा को चीरते हुए हाई तापमान के साथ बंदूक से निकलेगी और बुलेट प्रूफ जैकेट से टकराते ही ये जैकेट उसकी जान बचा लेगी। अगर मैं बुलेट प्रूफ जैकेट की आउटर लेयर हटा दूं तो अंदर चार लेयर्स नजर आएंगी, सेरेमिक लेयर, एरामिड फाइबर लेयर, वर्टेक्स लेयर और लास्ट में पॉली एथिलीन लेयर। सबसे पहले गोली सेरेमिक लेयर से टकराएगी, इससे गोली की रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी और गोली की शक्ल भी थोड़ी बिगड़ जाएगी। समझो कि गोली ने अपनी पहली जंग हार दी। फिर गोली एरामिड फाइबर लेयर से टकराएगी जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती है। गोली के लगते ही ये लेयर पीछे की तरफ खिंच जाएगी और गोली की एनर्जी को जज्ब करके सतह पर फैला देगी। इस लेयर को पार करते करते गोली की एनर्जी और भी कम हो जाएगी। फिर गोली वर्टेक्स लेयर से टकराएगी। ये लेयर भी एरामिड फाइबर का एक और मजबूत वर्जन है। ये लेयर बहुत टाइटली वेव्ड होती है। आखिर में गोली जब पॉलीएथिलीन लेयर से टकराएगी तो इस लेयर का वो हिस्सा जहां गोली लगती है थोड़ा पिघल जाएगा। पिघल कर ये लेयर गोली को जगड़ लेगी और इसे रोक देगी। ये सब लेयर्स मिलकर गोली की एनर्जी को कम करती हैं और उसे रोक देती हैं। इस तरह सिपाही को सुरक्षा मिलती है और उसकी जान जाने का खतरा भी कम हो जाता है।